Welcome to my channel Biological World. In this video we will discuss differentiate of prokaryotic and eukaryotic cell. So let's start. Differentiate of prokaryotic and eukaryotic cell. तो यहाँ पर हमारे पास एक prokaryotic cell है और एक eukaryotic. तो अब हम इनके डिफरेंस देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म्स कौन से होते हैं. तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म्स ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म्स की एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और यूकैरियोटिक में प्लांट्स और एनिमल्स. तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक में कौन से ऑर्गेनिज़म्स शामिल होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म्स में एनिमल और प्लांट इनकी एग्जाम्पल हैं. तो अब हम इनके स्ट्रक्चर पर इनका डिफरेंस देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं जो के कंट्रोलर पार्ट होता है सेल का. तो न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में टू न्यूक्लियस नहीं होता. जैसे कि अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ पर हमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है जी. और जो मटेरियल होता है यानी कि डीएनए वगैरह जेनेटिक मटेरियल, वो सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन वो किसी मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो एक मेंटेन ऑर्गेनल का स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है, जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं. तो ये था इनका पहला डिफरेंस, ठीक है जी. ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये है यूकैरियोटिक सेल है. इसमें हमें जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सब हमें मेंटेन और स्ट्रक्चर बिल्कुल उनका मेंटेन दिखाई दे रहा है, जबकि हमें प्रोकैरियोटिक सेल में कोई ऑर्गेनल नज़र नहीं आ रहा. तो ये इसका पहला डिफरेंस था कि न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में. तो अब हम इनके दूसरे डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं. तो दूसरा डिफरेंस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इस एनिमल सेल में बहुत से ऑर्गेनल प्रेजेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एक्सेट्रा. ये सब क्या हैं, ये सब प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनल्स की फॉर्म में. तो हम देख लेते हैं कि ये ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं या नहीं. तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नज़र नहीं आ रहा. मेम्ब्रेन बाउंड का क्या मतलब है, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन हो उसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कहते हैं. तो ये था ऑर्गेनल. तो ये जो थे ये ऑर्गेनल होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये था इनका दूसरा डिफरेंस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का. अब हम इनके थर्ड डिफरेंस की बात कर लेते हैं. तो इनका थर्ड डिफरेंस है कि इनका साइज क्या होता है, क्या इनके साइज में कोई डिफरेंस है. तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो साइज़ में स्मॉलर होते हैं और सिंपल होते हैं,
जबकि यूकेरियोटिक सेल वो साइज में लार्ज होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब कि इनके अंदर बहुत से ऑर्गेनल्स होते हैं जो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और ये साइज में भी लार्ज होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, इनके अंदर कोई ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, सिर्फ मटेरियल होता है, फ्लूइड होता है, और ये साइज में भी छोटे होते हैं। तो ये था इनका थर्ड डिफरेंस। तो अब हम एक और डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो अब हम राइबोसोम्स को देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं उनका साइज जो होता है वो होता है स्मॉल, जबकि यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स का साइज लार्ज होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, राइबोसोम्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी अटैच होते हैं और साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स जो हैं वो सिर्फ फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, किसी ऑर्गेनल पे अटैच नहीं होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई ऑर्गेनल नहीं होता। और राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो ये था इनका फोर्थ डिफरेंस। ये था डिफरेंशिएट ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।